चैनल कहते हो आप सब। और अभी हम लोग निकल चुके हैं, क्या करें, और ऐसे मटर गश्ती के लिए अभी हम लोग निकले हैं। और आज बहुत ज्यादा ठंड है पटना में, धूप भी बिल्कुल भी नहीं हुई है। और बता दूं आप सबको कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे हेलमेट पहन ली है, जैसा कि आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल चल रहा है, तो अभी चलते हैं। मैं जिस सरप्राइज की बात कर रही थी वो मैं घर जाके आप लोगों को बताऊंगी नहीं, मैं दिखाऊंगी। तो मटर गश्ती ने तो चाय तो पियेंगे ना, तो हम लोग जा रहे थे लेकिन उस बीच में मन कर गया चाय पीने का, तो हम लोग अभी रुके हैं यहाँ पर छज्जू बाग। छज्जू बाग एक्चुअल में जजेस हाउस के नाम से इसको जाना जाता है, और ये गांधी मैदान से थोड़ा सा दूर पे है, और यहाँ की चाय अच्छी लगती है। चाय पीते हैं उसके बाद निकलते हैं हम यहाँ। आपकी चाय ठंडी होती है? यहाँ पे रखी है। चाय बहुत अच्छी है अंकल, चाय बहुत अच्छी है। चाय अभी बनाए हैं? चाय अच्छी है जो। हाँ ऐसा लग रहा है कि अभी अभी आप बनाए। पहले ही बनाए हैं। आप वीडियो में आ गए? हाय कर दीजिए। हाय कर दीजिएगा। हाय हाय कर दीजिए। और अभी हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे थे, तो चाय पीते पीते मेरी नजर चली गई ये मिथिला पेंटिंग्स में। ये मिथिला पेंटिंग्स में जो कि सड़कों के किनारे बनी हुई है, और आप देख सकते हैं यहाँ के जो रोड्स भी है ना बहुत क्लीन है। तो जब इस तरह से क्लीन रहता है तो कितना अच्छा लगता है ना देखते थे, खास करके जब आप चाय पी रहे हो और साथ में सामने में इतना अच्छा व्यू आपको मिल जाए तो बहुत मजा आता है। ये तो दम कहीं पे भी शुरू हो जाते हैं। देखा आपने, तो ऐसी होती है बिहार की शादी। और बिहार की शादी मुझे बहुत पसंद है, जो धमाल मस्ती करते हुए जब बारात निकलती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, मजा आ जाता है। लहासा मार्केट, और यह शॉल वहीं का है, अम्मी लाई थी मेरे लिए। अगर आपने लहासा मार्केट का व्लॉग नहीं देखा तो जाके जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मटर गश्ती का लिंक मिल जाएगा। जल गए पूरा। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यू किचन में। आज हम बनाएंगे रेसिपी, रेसिपी में हम बनाने वाले छोटी वाली मछली। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में। आई एम रियली वेरी सॉरी, यहाँ पे मेरा किसी को मजाक उड़ाने का ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैं किसी का वीडियो देखती हूँ रेगुलर, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका वीडियो देखने में, नाम नहीं बताऊंगी, तो उनका जो बोलने का स्टाइल है ना वो मुझे बहुत पसंद है। सुबह सुबह हो गया, मुझे काम दिया गया लकड़ी उतारने के लिए, आज छत पे खाना बनाने का प्लान है भाई। हमारा घर बन रहा था तो ये लकड़ी बज रही थी, तो वो अब जाके चूल्हा जलाने के लिए काम में आ रहा है। और ये चूल्हे का आज उद्घाटन होने वाला है। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें तो पहले से ही आग है और देखची जो है वो काली हो चुकी है। तो हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं था, बस ऐसे पानी गर्म करने के लिए यूज़ किया था, तो आज इसमें बनेगा मछली। यहाँ पे अम्मी जो है वो मछली धो रही हैं। मछली का नाम क्या है अम्मी? चलवा मछली। अच्छा, तो आज बनेगा चलवा मछली। पापा अभी सुबह सुबह लेके आए हैं।
मम्मी बनाने वाली है चूल्हे का उद्घाटन आज होगा छोटी मछली से। और यहाँ पे छत पे हम लोग सब मसाले भी लेके आ गए, जो जो मछली में डलाएगा वैसे। सबसे इम्पोर्टेंट है ये सरसों का तेल जो मस्टर्ड ऑयल है, उसके बाद टमाटर है, मिर्च है, हल्दी है, पचफोरन भी है, और इस साइड में हरे मिर्च और ग्रीन मटर है। सारे मिला करके हम लोग बनाएंगे इस चूल्हे के ऊपर। ये जो चूल्हा आप देख रहे हैं ये वही चूल्हा है जो अम्मी लोगों ने बनाया था, अम्मी ने, कालोबाजी ने, सबने मिल करके। तो शहनाज अभी गई है नीचे, तो मुझे बोला कि थोड़ा सा आप शूट कर दो इधर। ये चूल्हा याद है तुमको, ये वाला चूल्हा याद है? मैं इंतजार कर रही थी कि कब इसमें कुछ बनेगा। क्या हो पापा? गाड़ी बनाने वाला। अच्छा, दाढ़ी बनाने वाला। तो पापा अभी शेविंग किट मांग रहे थे इसलिए मैं जा रहा हूँ नीचे। लो जी पकड़ो। फिर दोबारा मछली आ गया, वही वाला मछली है, ताजा ताजा है। अभी अभी अम्मी बना के उठी थी वहाँ से मछली, तो ये दोबारा इतना फिर से आ गया। तो कालोबाजी भी हैं। कालोबाजी हाय करिए। तो हाय, बोलो कैसे हैं आप सब? आप सब कैसे हैं? हम भाभी। हाँ, तो भाभी के साथ भैया लोगों को भी पूछे कैसे भैया सब। हाँ, भैया सब कैसे हैं? अभी आप क्या बना रही हैं? मच्छी, जलवा मच्छी है। ये ताजा मच्छी रात को मारा हुआ है। और ये ताजा है? ये ताजा, वो बासी है। आप पापा की मछली को बासी बोल रही है? ये अभी का मछली है, ताजा। ये अभी तुरंत लाए गंगा से आया मछली, तुरंत का तुरंत ताजा मछली है। और मैं जिस सरप्राइज की बात कर रही थी वो है, अभी मैं दिखाई देती हूँ आप लोग को। हाय करो। हाय बोलो। हाय, कैसे हो आप सब? हाय, तो कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? आप लोग बहुत मिस कर रहे थे ना मुझे और रिदा को। तो यही था मेरा सरप्राइज। यहाँ पे डुगू रिदा भी आ गए, अब फुल एंजॉयमेंट होगा। अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं हमारा जो भी बनना है। शुभ शुभ हाथों से शुभ शुभ चाय बोल रहे हैं, जलाया जा रहा है। थैंक यू। और यहाँ पे आग जो है वो जल गई ना, कि सुलग गई कि लग गई? लग गई सब। अच्छा, मतलब गोईठा में जरा सा तेल डाल के उसमें माचिस को जला के और लकड़ी को सर से लगा देते हैं, उसके बाद वो जल जाता है। बस यही ट्रिक है ना इसको जलाने का। ओके, मैं नेक्स्ट टाइम मैं जलाने वाली हूँ फिर इसको। तुम पकाओगी खाना भी? हाँ, क्यों नहीं बनाऊंगी, मैं जरूर बनाऊंगी। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया आग जलाने का, लेकिन ये बार बार जल रहा है और ये बुझ जा रहा है। तो अभी अम्मी जलाएंगी। हाँ। इसको तोड़ रहे हैं छोटा छोटा। काम तो दो तो तोड़ के डाले थे अम्मी। इतना फूसी का तेल तो नहीं जलेगा। अच्छा, बाहर ही में रख के जलाना पड़ता है? तो पूरा अंदर रख दीजिए। जलाने का ट्रिक ये था कि हम लोग डाल दिया था अंदर पूरा, लेकिन अंदर नहीं डालना था उसको, यहाँ पे एकदम किनारे पे जला करके देखो कितना तेज जल रहा है। बहुत अच्छे जल गया अभी। हाई को हम लोगों ने चढ़ा दिया चूल्हे पे, और अब मैं मछली और मसाले को मिक्स कर दूंगी। अम्मी ने चूल्हा बनाया ही था इसलिए कि हम लोग ठंड के टाइम पर कभी कभी जो है ना ऊपर छत पे खाना बना के भी खा सके। है कि नहीं डुगू? एक मछली को कौवा लेके भाग गया। डुगू, तुम्हारा मछली कौवा लेके भागा? हाँ। है ना रिदू? है रिदू, बताओ 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 बताओ, बोलो कौवा लेके भाग गया। कौवा लेके हमारे मछली बस ऐसे बाहर भेज देना। ठीक है, ले जाओ। ट्रेनिंग शुरू। बनाओगे ना तो सीखेंगे कैसे? ना सही बात है, कहाँ कैसे सीखोगे जी, बनाओगे नहीं तो? मुझे खुद बनाना है इसमें, करना पड़ेगा। तब चूल्हे पर खाना लगा ही नहीं, आराम से बना लो अपना खाना। वाह 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 वाह, साउंड। फर्स्ट टाइम है ना जब तुम चूल्हे पर बना रही हो? हाँ, फर्स्ट टाइम। हाँ, अम्मी की मदद की वजह से हमारे, मुझे तो वैसे कुछ पता ही नहीं है चूल्हे के बारे में। चूल्हे वाले ने चूल्हा ला के रखा था। दो रूम में ही तो होंगे। Thank you.
मार गया। तो एक साइड का मछली जो है वो फ्राई हो चुका था, तो अभी मैं इसको पलट दे रही हूँ ताकि दूसरे साइड का फ्राई हो गया अच्छे से। और चूल्हे पे बनाने का एक्सपीरियंस मुझे बहुत मजा आ रहा है बनाने में। कौआ कौआ मिलो बहु कौआ आ चुका यार आग में। धुआं नहीं निकल पता नहीं, ये एनर्जी ड्रिंक भी आ गई है साथ में। हाँ ये इधर से धुआं उठ रहा है ना, तो कभी कभी हवा इधर जा रही है तो बहुआ 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 रो रही है। देखो 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 बहुत अच्छी मछली यहाँ पे फ्राई हो रही है देखिए। हाँ यार एकदम क्रिस्पी। हाँ धीरे धीरे आंच पे एकदम मध्यम मध्यम टाइप। हाँ हमको लगा ना आंच कम हो गया, आंच कम हो गया तो लकड़ी थोड़ा सा हम लोग अंदर बढ़ा देंगे। अरे सुड़ूक सुड़ूक रोना रोना हो गया। यहाँ पे मछली फ्राई हो गया, तो अब हम लोग इसमें पचफोरन ऐड कर देंगे, मसाले को भून लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पापा बाद में लेके आए थे मछली वो, और ये जो पहले आया था वो, तो ये वाला हम लोग बनाने वाले हैं, बाकी इसको हम लोग ऐसे फ्राई रख देंगे। और इसमें मसाले में हम लोगों ने सब कुछ ऐड कर लिया। अगर आपको मछली की रेसिपी देखनी है तो आप लोग जाके देख सकते हो, वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। भुना गया है, अब इसमें हम लोग पानी डाले जा रहे हैं। वहाँ पे हमारा सारा खाना भी आ चुका है छत पे, सब लोग खाने वाले आज वहाँ पे, चावल वावल प्लेट वगैरह सब आ गया है, और बस मछली भी अब होने वाली है, मछली को ऐड कर देंगे। हम लोग धनिया डाल रहे हैं, अब आदमी को खोजा जाएगा खाने के लिए। अब आदमी को खोजेंगे हम लोग कौन कौन कहाँ है खाने के लिए। पापा खा के बताएंगे कि कैसा बना है। मेरा प्लेट है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये मजा अपने घर में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। हाँ ये बात तो सही बोल रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे खाने के लिए, हम लोगों ने छत पे ही खाना खा लिया सब लोगों ने। अब कालू बाजी जो है बर्तन यहाँ पे धो रही है। आपको कैसा लगा मछली कालू बाजी? बहुत अच्छा लगा। और क्या बोल, और आपको कैसा लगा? एकदम टंच हो गया तो एकदम फुल फुल। और मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मछली खा के, कुछ अलग ही सा स्वाद लगा, अलग टेस्ट लगा, बहुत अच्छा बनाई अम्मी। अरे मेरा ना भी तो सब लोगों ने छत पे बैठ के खाया, तरह से एक छोटा मोटा पिकनिक जैसा हो गया हमारे घर में आज। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा जो चूल्हा का है। 2 मिनट चुप रहिएगा। ऐसा नहीं है, मेरा जो फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा चूल्हे में खाना बनाने का, कि नेक्स्ट टाइम से मैं सोचूंगी नहीं नहीं बनाना है। मुझे बहुत अच्छा लगा बना के, मैं नेक्स्ट टाइम भी बनाऊंगी ज़रूर। और आप लोग भी अपने घर में चूल्हा बनाइए और खाइए। ट्राई कीजिए, क्या करिए, ट्राई कीजिए चूल्हा बना के, आप लोग भी पकाइए झींगा मछली। हाँ चलो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय बोलिए कालू बाजी, ऐसे करिए बाय 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 बाय। कालू बाजी फेमस होने लगी धीरे धीरे। और यहाँ पे हम लोगों ने आईफोन का जो है पौधा लगा दिया, अब इसमें आईफोन होने शुरू होने वाले हैं, जिसको जिसको चाहिए आके तोड़ के ले जाना। क्या आईफोन निकल रहा है? अभी निकला कहाँ है, अभी तो उसका बीज डलाया है। अच्छा वो फल है? ओ वाह, तो कालू बाजी को भी एक दे देना।